Welcome on my channel, Let's Learn Physics Classes. I am Deepak Chaudhary, High School Intermediate के UP Board के student, जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि उनका परीक्षा क्रम कब से होगा, कब से एग्जाम स्टार्ट होंगे. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के परीक्षा संबंधी प्रेस नोट्स जारी हो गया है. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित होने वाली परीक्षा वर्ष 2022 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा शासन के आदेश अनुसार 24 मार्च 2022 से आरंभ होने जा रही है. तो स्टूडेंट्स, आपकी जो परीक्षाएं हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, वो आपकी 24 मार्च से शुरू होने जा रही है. हाई स्कूल की परीक्षाएं 12 दिन चलेगी और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आपकी 15 दिन चलेगी. और स्टूडेंट्स, ये दोनों परीक्षाएं 12 अप्रैल 2022 तक संचालित होगी, यानी इस डेट पे समाप्त हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स, इस प्रेस नोट के अनुसार देखा जाए कि आपकी परीक्षा क्रम जारी हो गया है. तो स्टूडेंट्स, आपके पास समय बहुत कम है, आपको बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे. तो अब आप दिन रात मेहनत करेंगे. देखिए, ये जो प्रेस नोट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो परीक्षा समय सारणी है, ये 8/3/2022 को शाम 6:15 श्री विनय कुमार पांडे, शिक्षा निर्देशक व सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से जारी किया गया है. तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही शेड्यूल है आपका. अब मैं आपको इसी प्रेस नोट में दिखाना चाहूँगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट के पेपर कौन से शिफ्ट में होंगे या कौन सी पारी में होंगे. तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेस नोट है. तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है, ये यहाँ पे दिन बताए गए हैं, ये समय बताया गया है, पारी बताई गई है, ये हाई स्कूल के लिए है. ये थर्ड नंबर कॉलम और फोर्थ नंबर का कॉलम इंटरमीडिएट के लिए. तो स्टूडेंट, इस बार जो परीक्षाएं जो होने जा रही है हाई स्कूल और इंटर की, ये दो शिफ्ट में होगी. जो प्रथम शिफ्ट होगी वो मॉर्निंग शिफ्ट होगी, जो सुबह 8 से 11:15 पे चलेगी. और जो द्वितीय शिफ्ट होगी, तो स्टूडेंट्स, वो आपकी 2 से 5:15 तक होगी. तो दो शिफ्ट में पेपर होने जा रहे हैं. तो पहला पेपर 24 मार्च को है. स्टूडेंट्स, आप नोट करते चले. तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, आपका पेपर हिंदी प्रारंभिक का है प्रथम शिफ्ट में, और द्वितीय शिफ्ट में हाई स्कूल कोई पेपर नहीं है. इंटरमीडिएट का प्रथम शिफ्ट में सैन्य विज्ञान का है और द्वितीय शिफ्ट में हिंदी सामान्य हिंदी का है. 25 मार्च प्रथम शिफ्ट में हाई स्कूल का पाली अरबी फारसी का है और द्वितीय शिफ्ट में संगीत गायन का है. और 25 मार्च को ही आपका इंटरमीडिएट का प्रथम शिफ्ट में संगीत गायन का है और सामान्य आधारित विषय है, जो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं. 26 मार्च हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में है गृह विज्ञान का, जो केवल बालिकाओं के लिए है, और गृह विज्ञान का ये प्रथम शिफ्ट में होगा. और द्वितीय शिफ्ट में हाई स्कूल कोई पेपर नहीं है. इंटरमीडिएट का प्रथम शिफ्ट में पेपर भाषाएं हैं, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, ये आप देख सकते हैं, और द्वितीय शिफ्ट में लेखा शास्त्र है आपके. 28 मार्च में स्टूडेंट्स हाई स्कूल के लिए प्रथम शिफ्ट में चित्रकला, रंजन कला, और 12 क्लास का प्रथम शिफ्ट में भूगोल, हाई स्कूल का द्वितीय शिफ्ट में कंप्यूटर, और 12 क्लास का द्वितीय शिफ्ट में व्यवसाय अध्याय, नया पाठ्यक्रम है वाणिज्य के, ये आप नोट कर सकते हैं. 29 मार्च को हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में संस्कृति और द्वितीय शिफ्ट में संगीत वादन, और 12 क्लास का प्रथम शिफ्ट का चित्रकला, और आपका अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल द्वितीय शिफ्ट में होगा. 30 मार्च हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में वाणिज्य, सिलाई द्वितीय शिफ्ट में होगा, और 12 क्लास का प्रथम शिफ्ट में पाली, अरबी, फारसी और अंग्रेजी, नया पाठ्यक्रम, अंग्रेजी पुराना पाठ्यक्रम होगा आपका. 31 मार्च हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में कृषि होगा, द्वितीय शिफ्ट में मानव विज्ञान होगा, और इंटरमीडिएट का प्रथम शिफ्ट में गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी, और द्वितीय शिफ्ट में इतिहास का पेपर होगा, ये आप नोट कर सकते हैं. 1 अप्रैल हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है, ना द्वितीय शिफ्ट में कोई पेपर है. 12 क्लास का प्रथम शिफ्ट में औद्योगिक संगठन और द्वितीय शिफ्ट में साक्ष्य विज्ञान का है, ये आप नोट कर सकते हैं. 24 अप्रैल को हाई स्कूल का काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट का पेपर होने जा रहा है, जिसे स्टूडेंट्स पूरे साल भर तैयार करते हैं, विज्ञान का पेपर, ये जो फर्स्ट शिफ्ट में होगा. और 12 शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है, और आपका 12 क्लास का प्रथम शिफ्ट में मनोविज्ञान,
और द्वितीय शिफ्ट में जीव विज्ञान और गणित। ये दोनों विषय अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। जो स्टूडेंटों के पास साइंस में बायोलॉजी होती है वो जीव विज्ञान देंगे, जिनके पास गणित होती है वो आप गणित का देंगे। ये दोनों पेपर द्वितीय शिफ्ट में होंगे और प्रथम शिफ्ट में मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र। ये 4 तारीख को काफ़ी बड़ा एग्जाम होने जा रहा है। 6 अप्रैल को हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम और द्वितीय शिफ्ट में अंग्रेजी का पुराना पाठ्यक्रम, पर ये 12th के सब्जेक्ट्स हैं, ये लिखे हुए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। द्वितीय शिफ्ट में हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं होगा, 12th का कंप्यूटर और कृषि वनस्पति विज्ञान होगा। 7 अप्रैल को हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है, ना प्रथम में ना द्वितीय में, लेकिन 12th क्लास का प्रथम शिफ्ट में भीमा सिद्धांत और द्वितीय शिफ्ट में काफ़ी बड़े पेपर है। जिस बच्चों के पास साइंस है उनका होगा भौतिक विज्ञान का, जिसके पास आर्ट साइड होगी उसका होगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं। 8 अप्रैल को प्रथम शिफ्ट में और द्वितीय शिफ्ट में हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है, 12th क्लास के पेपर है, ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है, आप पोस्ट करके वीडियो नोट कर सकते हैं। 9 अप्रैल हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का होगा, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का पेपर है और इंटरमीडिएट का काफ़ी बड़ी लिस्ट है, आप नोट कर सकते हैं। द्वितीय शिफ्ट में हाई स्कूल का कोई नहीं होने का और आपका संस्कृति का पेपर होगा 12th क्लास का द्वितीय शिफ्ट में। 11 अप्रैल हाई स्कूल का प्रथम शिफ्ट में गुजराती उर्दू बंगला मराठी भाषाओं का है, 12th क्लास के ये हमने दिखाए हैं, आप नोट कर सकते हैं पोस्ट करके वीडियो, और ये PDF मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और 12th क्लास का इस 9 तारीख 12th क्लास का आपका देखा जाए 11 अप्रैल में काफ़ी बड़ा पेपर होने जा रहा है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री काफ़ी बड़ा पेपर है, और आर्ट साइड वालों के लिए समाजशास्त्र काफ़ी बड़े पेपर हैं। और स्टूडेंट्स 12 अप्रैल जो कि आपके एग्ज़ाम की लास्ट डे है, इस दिन हाई स्कूल वालों का सबसे बड़ा पेपर होगा गणित, जिसे बच्चे पूरे साल तैयार करते हैं, और 12th वालों का द्वितीय पारी में हाई स्कूल का कोई होगा नहीं और द्वितीय पारी में 12th वालों का होगा नागरिक शास्त्र। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपसे शेयर किया है, आप इसे अनुसार तैयारी करना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आप बहुत मेहनत कीजिए, अब समय आ गया है, आपने पूरे मुझे पूरा यकीन है आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है, अब समय आ गया है अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए, दिन रात मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट। और जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।